पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमाआत, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, कराची में सबील वाली मस्जिद और पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसद्दा रोड पर ईद उल अज़हा की नमाज ईद अदा की गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया और ग्रेटर इकबाल पार्क और मंसूरा में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानों की कुर्बानी। GNN की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। भारत और बांग्लादेश में भी ईद आज मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान किसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में ईद की नमाज पढ़ी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाति उम्रा में नमाज ईद अदा की। हसन और हुसैन नवाज समेत दीगर अजीज व अकारिब ने भी जाति उम्रा में नमाज पढ़ी। मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने अमीन बंगलापुर फैसलाबाद में और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्कर में नमाज ईद अदा की। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अल्लाह ताला के इताअत और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का मकसद नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के हुसूल के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बान पर इनका भी ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तेदात नहीं रखते। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम और मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का कहना था कि जबानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफकत की कुर्बानी देना होगी। आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी, गिरोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रही है। वतन अजीज का कर्ज सब पर वाजिब उल अदा है। ये कर्ज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर ही उतारा जा सकता है। मुसल्लफात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की ईद उल अज़हा पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। ISPR का कहना है ईद उल अज़हा का मकसद बाबर के दिन कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद को ताज़ा करना है। इस मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए अपने शहदा और गाजियों के मकरूज हैं। वतन के लिए शहदा और गाजियों की लाजवाब कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। चारों वज़ीर आला की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत पर हर मुश्किल टल जाए, फलस्तीनियों को भी पायदार अमन मिले। अली अमीन गंजापुर ने कहा कि ईद उल अज़हा हमें एहसार और कुर्बानी के साथ जीने का दर्ज देती है। मुस्तहिक लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करना इस अजीम इस्लामी त्यौहार की असल रूह है। वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान की भी कौम को मुबारकबाद। सरफराज बुख्ती नमाज ईद के बाद अवाम में घुल मिल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और एसार की गहरी इकदार की अलामत है। आज मुआशरा पोलराइजेशन का शिकार है, हमें तकसीम और इंतहा पसंदी की मुसीबतों से निजात हासिल करनी है। ईद कुर्बान पर मुनाफा खोरों की चांदी मसाला जात की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्याज 105 के बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 55 के सरकारी रेट के बजाय 110 रुपए, अदरक 740, लहसुन 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च भी बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई। काली मिर्च 1600 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए फी किलो में मिलने लगी। कोरमा और टिक्का मसाला 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। अवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर दफा 144 का निपास। सिरी पाइप भूनने पर पाबंदी। अमला घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ईद के इंतजाम और सिक्योरिटी का जायजा इजलास हुआ। कुर्बानी के बाद शहर भर की सड़कों को धोने का फैसला। सिक्योरिटी इंतजाम के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए और हिफाजती मैयाद को चेक किया जाए। पार्कों में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड की इंस्पेक्शन। जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। अवाम के जानो महाल का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने FBR को निशाने पर ले लिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया कि 75 साल तक FBR ने जो मईशत के साथ किया वो सबको मालूम है। नवाज शरीफ ने 35 साल पहले एक्सपोर्टर्स को FBR के चंगुल से आज़ाद करवाया था। अब बैंक में 1% कटौती के बाद फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास किताबें लेकर पेश होना होगा। इसके बाद क्या होगा, दिमाग पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत को रेवेन्यू मिलना और एक्सपोर्टर को ब्लैक मेलिंग से महफूज होना चाहिए। बड़ी मेहनत और तगड़ों के बाद IMF से मुआहदा हुआ। आवाम पर मुश्किलात तो आएंगी मगर कोशिश है आम आदमी पर बोझ कम से कम पड़े। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। बशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ साहिब ईद के बाद तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। जब भी मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की के लिए काम शुरू किया कोई ना कोई साजिश जरूर होती है। अगले साल अपनी मर्जी से बजट बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी आदमी है, अच्छा इंतशारी टोला मौलाना के साथ काम करे और उनसे खुद सीखे। मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफात जायज हैं। बजट कोई हफ्ती फिगर नहीं होता, ये तजावीज होती हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात को ख़त्म किया जाए, नून लीग तयशुदा माहदे पर अमल करे। माहदे में हमें पंजाब में जगह देने की बात भी है। अलग सूबे के हवाले से भी माहदे में शरायत मौजूद थी। मौलाना फजलुर्रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी से लगते हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इन तबकात को जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है इनको रिलीफ दिया जाए। हमें ईद के मौके पर बॉर्डर पर शहीद होने वाले अपने जवानों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जवानों ने अपनी आज को कुर्बान करके आपके कल को महफूज बनाया है। सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए मगर कुछ बातों पर लाइन खींचना होगी। PTI पहले अपने गुनाहों पर माफी मांगे फिर आगे चले। बिलावल भुट्टो ने कहा ये पहले बानी PTI अपनी गलतियों पर माफ़त करे, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले MQM के पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि बयान दें। ये सियासी बयान देकर जिंदा रहना चाहती है। विफा की हुकूमत के साथ अपने तहफात शेयर कर रहे हैं, जहां ज्यादती होगी पीपल्स पार्टी आवाज बुलंद करेगी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का आखिरी टाकरा जीत लिया। आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 107 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेटों पर 106 रन बनाए थे। शाहीन शाफरीदी और इमाद वसीम के 3-3 शिकार, मोहम्मद आमिर की 2, हारिस राउफ की 1-1 विकेट। कप्तान बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में नाकामी का मलबा पिचेस पर डाल दिया। कहते हैं अमरीका में पिचेस बल्लेबाजों के लिए मुश्किल थी, ICC को फ्रेंडली पिचेस बनाना चाहिए।